है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मीम में क्यूआर कोड नॉट शोइंग, मतलब शेयर मीम में क्यूआर कोड कैसे निकाले बिफोर यू रिविंग टाइम आइटम। मतलब कि आप शेयर मी यूज़ करते हो, शेयर मी ऐप मतलब कि चलाते हो, और गाइस इसमें आप क्यूआर कोड निकालना चाहते हो तो किस तरीके से निकाल सकते हो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मतलब कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देख लेना है कि एक बार ऐप इंस्टॉल करके मतलब कि अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लेना है, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और गाइस यहां से भी आप मतलब कि निकाल सकते हो, और गाइस यहां से आपको नहीं आ रहा है शेयर मी के ऊपर, तो गाइस यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में जाना है, और गाइस यहाँ से सर्च कर लेना है शेयर मी, शेयर मी पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले इसे अपडेट कर देना है। और अभी तक आपने ज्वाइन बेटा का मतलब कि इसे ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है, इसके बाद 24 घंटे में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा, अपडेट करने के बाद आपको मतलब कि मोबाइल की जो मेन सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, तो गाइस यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ऐप एंड परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐप मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद 2-5-10 सेकेंड वेट कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद अलग ही इंटरफेस तो हो जाएगा गाइस, इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको शेयर में ढूंढ लेना है, तो गाइस यहाँ पर आपको शेयर में अपन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर शेयर में पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले फॉरेस्ट स्टॉप कर देना है, और गाइस स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है, क्लियर कैचे कर देना है, क्लियर डाटा कर देना है, ओके कर देना है, और गाइस इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, डाटा यूजर्स में जाना है और ये दोनों ऑप्शनों को ऑन कर देना है। इसके बाद बैक आ जाना है, परमिशन वाले ऑप्शन में जाना है और सभी की अलाउ परमिशन दे देनी है। यहाँ पर एक एक करके सभी की अलाउ परमिशन आपको दे देनी है, तो गाइस यहाँ पर सभी की अलाउ परमिशन दे देनी है आपको, यहाँ से एक एक करके सभी की अलाउ परमिशन दे देनी है। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके वापस ऑन करना है, और गाइस यहाँ पर स्विच ऑफ करके वापस ऑन करोगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। वापस शेयर में ओपन करना है, और गाइस इस तरीके का इंटरफेस होगा, जो भी मतलब कि आप मतलब यहाँ पर जो भी परमिशन मांगे वो अगेन कर देना है इस तरीके से, और गाइस फिर बाद में आप शेयर में का क्यूआर कोड निकाल सकते हो। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, वीडियो नॉलेज को लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।